तो नॉर्मली आपके पास मोबाइल होगा एंड्रॉयड जिसमें आप एप्लीकेशन में लॉक लगाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा मोबाइल भी आता है जिसमें एप्लीकेशन लॉक नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उसमें आप लॉक लगा सकते हो, पैटर्न लॉक, ऐप लॉक एंड बहुत सारे सिस्टम आते हैं ना जिसमें पासवर्ड वगैरह ऐसे लॉक लगा सकते हो। तो इसमें आपको कुछ ऐसा बेनिफिट कुछ यूनिक नहीं मिलता है। एंड अगर आपके फ़ोन में लॉक आता भी है, ऐप लॉक जिसे कहते हैं, तो वो भी इतना अच्छा खास नहीं रहता है, आपको पैटर्न पासवर्ड से ही आप उसे ओपन कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप बहुत ही अच्छा कुछ यूनिक सा ऐप लॉक लगाना चाहते हो ना, तो भाई आप स्क्रीन लॉक भी लगा सकते हो और ऐप लॉक भी लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड आपको लाइव आपके सामने बताने वाला हूँ कि इसको कैसे यूज करना है एंड कैसे इसका काम तमाम हो जाएगा। एंड लास्ट में आपको पता भी चलेगा कि आखिर ये लॉक कैसे मतलब लॉक काम कैसे करता है बंदा। ठीक है, तो ना तो ये पैटर्न लॉक है, ना पासवर्ड लॉक है, ना ये पिन कोड है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को मैं कर लेता हूँ ओपन। एप्लीकेशन कौन सी है लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस के साथ ओपन हो जाती है। सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ओपन करना है, नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक लॉक सेट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेट वॉल्यूम के पैटर्न। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल सा काम है, इन वॉल्यूम बटन से आपको लॉक लगाना है। तो एक बार ऊपर, एक बार डाउन, ठीक। तो इस तरीके का लॉक मैंने लगा दिया। सिंपली हमको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, दो बार ऊपर दबाया था, एक बार डाउन, एंड यहाँ पर हमारा कंफर्म, एंड यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप कंफर्म करना जाओगे तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, सिलेक्ट कुछ भी करके आप यहाँ पर आपका नाम लिख दीजिए ताकि आप भूलो ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ एंड यहाँ पर अपना जाना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली अपनी परमिशन देना है। ठीक है, तो आपने कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो आपको याद रखना है एंड आपने नाम अपना लिख देना है। ठीक है, ताकि आप रिकवर कर सकते हो आसानी से एंड कुछ ऐसा नाम भी लिख सकते हो जो आप कभी भूलो नहीं एंड उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, अगर ये खुलता नहीं है किसी चांस की वजह से तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि फिनिश वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फिनिश वाले बटन पर क्लिक करो ओके, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको सिस्टम इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, एक दो डाउन, तो इस तरीके से आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो खुलकर आ जाएगी। तो सिंपली ऐप लॉक इनेबल कर देना है। जैसे ही आप ऐप लॉक इनेबल करोगे तो यहाँ पर आप किसी भी लॉक लगाते हो, जैसे कि मान के चलिए मैं व्हाट्सएप में ऐप लॉक लगाता हूँ, तो सिंपली मैं व्हाट्सएप पर लॉक कर देता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो पहली परत तो आपको कुछ बटन दिखाई देंगे, फिर वो नहीं दिखाएंगे, एक दो डाउन। ठीक है, तो इस तरीके से खुल गए। अब मैं लगा लेता हूँ, फिर से उस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो देख सकते हो ब्लैक का ब्लैक ही रह गया। ठीक है, तो अब इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, तो खोलना हो तो डाउन इस तरीके से आप खोल सकते हो वॉल्यूम बटन से। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जैसे कि आपने यहाँ पर व्हाट्सएप पर लॉक लगाया था तो ऊपर ही ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर ब्लैक वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना है। तो आपको गैलरी में से एक फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैंने ये फोटो को सिलेक्ट कर लेता, क्रॉप करना है आपको। सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर कस्टम लिखाया गया। अब मैं फिर से व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ नहीं आएगा, इस तरीके के इंटरफेस आके रह जाएगा। तो इसको खोलना कैसे है, यूँ जो आपने पासवर्ड लगाया था शुरू में, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करती है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। सेटिंग में जाकर आप इसको स्क्रीन लॉक के रूप में भी यूज कर सकते हो। फिलहाल इतना ही था।